औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राजा शफकत अली तारा, चेयरमैन पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट एंड चेयरमैन पुलिस यौम शोहदा। ये जो हम मिशन लेके चल रहे हैं पुलिस और आवाम साथ साथ, ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है, जिन्होंने 1400 हिजरी में पुलिस बनाई और पुलिस को वो तमाम सहूलतें दी। पूरी दुनिया के अंदर आज भी उमर ला के नाम से कनाडा में, पूरी दुनिया में ला चल रहा है और उस ला के मुताबिक पुलिस को तमाम सहूलतें दी हुई हैं कि जो फौज के पास है, रेंजर्स के पास हैं, कि तमाम एजेंसीज के पास हैं। हमारी पाकिस्तान पुलिस के पास कोई सहूलतें नहीं है, ना मेडिकल पैनल है, ना रहायशी सोसाइटियाँ हैं, ना स्कूल पैनल पे हैं, ना शहीदों के कब्रिस्तान है। पाकिस्तान में तमाम डे मनाए जाते हैं, पुलिस डे नहीं मनाया जाता। तो पुलिस को वो तमाम सहूलतें देनी चाहिए और पुलिस के ऊपर जो ये सियासी दबाव है इसे ख़त्म करना चाहिए। पुलिस को सियासत से दूर रखें। अगर पाकिस्तान की खिदमत में, जैसे पुलिस ने अपनी जानों का नजराना देकर आज पाकिस्तान में अमन कायम किया है, तो उनको दूसरे इदारों की तरह, जैसे फ़ौज में, फ़ौज हमारी हीरो है, उस फौज की शाना बशाना चल रही है इस वक्त। पुलिस भी, पुलिस आवाम के अंदर रहती है, फौज आती है, ऑपरेशन करती है, चली जाती है, यूनिट चेंज हो जाता है, लेकिन पुलिस ने वहीं रहना है आवाम के अंदर। तो पुलिस और आवाम के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है और पुलिस के अपने कंप्लेन सेंटर होने चाहिए। जिस तरह हम पुलिस के ख़िलाफ़ तो कंप्लेन करने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन पुलिस के अपने प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई कंप्लेन सेंटर नहीं है। तो मैं आई जी सी मुश्ताक महर साहब से, ग़ुलाम नबी मेमन जो हमारे पुलिस चीफ, हमारे पुलिस के हीरो हैं, वो आवाम और पुलिस के हीरो हैं, उनके आने से पुलिस का मोराल बहुत बुलंद हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और पुलिस के जो ये सन कोटे का मसला है, शहीद कोटे का मसला है, उसे फौरी बहाल किया जाए और पुलिस के जवानों के जो बच्चे हैं उनको बगैर सिफारिश के भर्ती किया जाए। ये उनका राइट्स है और ये उनके वालिद ने 30 साल 40 साल अगर इसमें सर्विस की है तो उस बच्चा जब वो भर्ती होने जाता है तो उसे इज्जत दी जाए। क्योंकि हर आदमी पुलिस में नहीं आता, ना फौज में आता है, ना रेंजर्स में आता है, ना नेवी में आता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है। हर आदमी अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में आ रहा है, अगर पुलिस में आ रहा है, तो 100% वो पुलिस के हकूक के लिए खिदमत करने आ रहा है, तो उसे वेलकम करें और इज्जत दें। और ये जो शहीदों के मसले हैं, उनकी बेवाओं के मसले हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा देख रहे हैं ग़ुलाम नबी मेमन साहब और पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर जो इस वक्त सिंध पुलिस वेलफेयर है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मोने के भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात, ये PCTV न्यूज़ पुलिस चैनल हमने इसलिए बनाया कि ये एक आम आदमी की आवाज़ है, स्पाई की आवाज़ है, जो आला सतह तक नहीं पहुँच सकती। आवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन इससे बहुत अच्छा होगा। और हम सलाम पेश करते हैं अपने हीरोज़ को। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की पुलिस दुनिया की नंबर वन पुलिस है। ऐसी पुलिस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी जो बग़ैर सहूलतों के आवाम की खिदमत कर रही है। और हम एक सॉन्ग ला रहे हैं, इंशाल्लाह आपको अपील से हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये पुलिस का सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग, और इसे यकीनन आप पसंद करेंगे। और आवाम से गुजारिश है कि पुलिस के साथ मोहब्बत और प्यार का रवैया रखें, और पुलिस से भी गुजारिश है कि आवाम के साथ प्यार और मोहब्बत का रवैया रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर खान लोधी, कैमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेरा गाजी खान का सदर, मुबारकबाद पेश करता हूँ। न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजम्मिल इज़हार सिद्दीकी है। मैं फोटोलाइन मैगज़ीन का चीफ एडिटर, कैमरा प्रेस क्लब का सदर और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल का मैं चीफ हूँ साउथ एशिया मिडल ईस्ट के लिए। मैं राजा शफकत भाई की बड़ी मोहब्बत है कि आपने मुझे मधु किया, और मैं बहुत अच्छा लगा ये अपना पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट के दफ्तर में आकर, और आपकी जो खिदमात हैं वो यकीनन काबिल सताइश है। और हमें उम्मीद है कि आपकी टीम इंशाल्लाह आइंदा भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी खिदमात को सरंजाम देगी। आपके इदारे ने जो PCTV शुरू किया है, ये यकीनन हमारे लिए वक्त की ज़रूरत है, और यकीनन ये सारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको मुत्तहिद करने में और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मददगार साबित होगी। एक दूसरे की खबरें मिलेंगी यहाँ से, और इंशाल्लाह बहुत कुछ इसमें से बेनिफिट होगा। और मैं दुआ करता हूँ कि ये टीवी जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।